अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो ये मेरा व्लॉग है, ये है सैटरडे और संडे का व्लॉग। आजकल एक एक दिन का गैप आ रहा है, तो मुझे फिर मैं 2 दिन का जो भी शूट करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये सैटरडे की इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पे जो मैंने हलवा बनाया था ना, वो मैं कंटेनर्स में निकाल कर मैं उसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। और आप लोगों को आजकल मेरे व्लॉग्स जो हैं वो किचन से ही स्टार्ट होते नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए ना, ऑलमोस्ट सारा टाइम ही ना किचन में ही निकल जाता है। कभी अपना खाना बनाना होता है, कभी बच्चों का खाना बनाना होता है, इनके लिए जो डाइट या चिकन वगैरह बॉयल करना है, तो ज़्यादातर काम और ख़ासतौर पर लेडीज़ के काम तो होते ही किचन से ही स्टार्ट हैं। तो मैंने ना बस चाय वगैरह बना ली थी और फिर मैंने आलू शिमला मिर्च का सालन बनाया था, और ये मैं दे रही थी फुजैल को कि फुजैल खाना खा लें। और मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया, तो मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि फुजैल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फुजैल को लग गई थी सर्दी, और सर्दी का फीवर फुजैल को हो गया था, जिस वजह से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही। और अभी यहाँ पे सुबह के बज रहे थे 5, मतलब अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो अजान होती है 5:15, 5:30 बजे तक होती है ना फजर की अजान, तो ये उससे भी पहले का टाइम है। और फुजैल को बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी और तेज़ फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने अभी ना हीटर ऑन किया हुआ है, इन्वर्टर ऑन किया हुआ है, और बैठे हैं यहाँ पे रूम में। और बच्चे, हम लोग उठे हुए हैं तो बच्चे भी हमारे साथ ही उठ गए हैं और बड़े खुश हैं कि हम इनके पास आके रूम में बैठे हुए हैं। और फुजैल का मैंने कहवा भी बना के दिया, वो इतनी शिवरिंग कर रहे थे कि थोड़ा सा ना वार्म फील करें। तो जब हीटर वगैरह ऑन किया तो फिर फुजैल की तबीयत कुछ पहले से बेटर हो गई थी। अचानक ही तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ है। सर्दी करते हैं, बहुत शदीद सर्दी लगी है। हर किसी सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, अपने आसपास के जानदारों पर लाजमी ध्यान रखा करें, लाजमी रखा करें। अभी हम लोग रात को जब हम आ रहे थे घर, मामा के घर में गई थी, और इतनी फोग और इतनी ज्यादा सर्दी हो गई है। मिनी और मिनी के बेबीज, माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं तीनों। बगीरा आप तो बड़े हैंडसम हो गए माशाल्लाह। सुलेमान भी बहुत प्यारा है, और वो छोटा मैक्स बहुत मासूम है। मैक्स नहीं, बड़ा मैक्स भी बड़ा। मफिन, टू मफिन्स, टू मफिन्स। आजकल बिल्लू को छोटी मिनी पसंद आ गई है। अच्छा, ये संडे की मॉर्निंग थी जिस जब तबीयत फुजैल की बहुत खराब हुई, और पूरा दिन ही संडे का दिन ना शदीद फुजैल की तबीयत खराब रही है। तो मैंने उस दिन बिल्कुल भी कोई वीडियो शूट नहीं की। अब ये मंडे का दिन स्टार्ट हो गया है, ब्रेकफास्ट में मैं चाय बना रही थी और साथ में फुजैल को एग और ब्रेड दे रही थी ताकि वो खाकर तो फिर जल्दी से ना अपनी मेडिसिंस ले लें। और सारा दिन तबीयत ख़राब रहने की वजह से सारे काम मुझे ही करने पड़े थे, जिस वजह से मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं था और मैं कुछ स्ट्रेस में भी थी, तो फिर मैंने ना कोई वीडियो शूट नहीं की। तो डायरेक्ट अब ये मंडे का डे आ गया है, तो बस जल्दी से फुजैल को खाना देती हूँ ताकि कुछ खाएँ, और फिर उसके बाद ना मेडिसिन खा लें, और उसके बाद फिर बाकी के मैं घर के काम करूंगी। और आज फुजैल कुछ बेटर थे। और मैं किचन में काम कर रही हूँ, नूर भी मेरे पास बैठी हुई है, और फुजैल की तबीयत अब मंडे को, मीन्स के आज फुजैल की तबीयत जो है ना काफी काफी बेटर हो चुकी है। स्टीम रिलीज कर रही हूँ, काले चने बना रही हूँ। कितना सुकून मिल रहा है, कर किए रखो। ओ नूरी, क्या की जल्दी नूरी, क्या हो गया? देखो देखो कैसी हो गई है ये सारे, हैरान हो गई क्या है।
नूर देख रही है ना कि क्या चीज है। नूर को चनों की खुशबू भी आ रही है, देखो तुम्हें मुसलसल देखे जा रही है। मेरी तबीयत बड़ी खराब थी कल, जिस वजह से हम व्लॉग नहीं डाल सके। कल सारा दिन इसने काम किया है, आना बच्चों को खाना भी खिलाया, बच्चों को भी मैंने संभालना, जैनी को भी, सारे काम मैंने अकेली ने किए हैं। कल का दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? हेक्टिक गुजरा और इसी वजह से ब्लॉग नहीं आया। अगर तो ना, ये क्या है? वो अभी प्याज वगैरह है ना, वो भी हो जाएंगे, भूनूंगी तो सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। अब हम दोपहर का खाना खाने लगे हैं, साथ चाय भी रख दी है। अभी दूध बॉइल कर रही हूं। ये चने बहुत ही लजीज बनते हैं, क्यों हो गए हैं? अच्छा, ऐसे ही दिल कर रहा खाने का। बस अभी इसको मैं भूनूंगी और फिर इसको शोरबा बना लूंगी। ये जो खड़े खड़े प्याज थे सारे हो जाएंगे मिक्स। कल बिलाल ने भी बहुत मदद की हमारी, मेरे जितने भी बाहर के काम थे सारे उस बेचारे ने किए सुबह सुबह। निदा ने भी बहुत मदद की, तुम्हारी अम्मी भी इधर सोई है ना, सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ये? मकाई का आटा है, ये जैसे मिसी रोटी होती है ना, ये वो वाला है। ये मम्मा लेकर आई थी, इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डले हुए हैं। इसको तवे पे बनाकर तुम ये खाओगी? हाँ मैं ये खाऊंगी। और मुझे दो पराठे बना दो, ये बहुत मज़े का लगता है। ये मकाई का आटा है, मैं पराठे खाऊंगा जी इन चनों के साथ। ये चने तो भी नहीं बनेंगे, नहीं। चलो जब भी बनेंगे मैं इन चनों के साथ खाऊंगा। ये बेबी ब्राउनी को क्या चाहिए? और ये टॉफी भी बैठा, टिफी बैठा है, टिफी को क्या चाहिए? टिफी को भी कुछ चाहिए, और ब्राउनी को भी। कैट्स को बस ना हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो वो कहती है हमें बस हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाते रहो। ये देखिए माशाल्लाह, इन्हें कपड़े पहनाए हैं दो हीरोज रे और आया, कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। और ना बहुत ज़्यादा एक्टिव, ये पहनने से ना खेलने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, हीट प्रोवाइड हो रही है ना इन्हें। टिफी, ये कौन है? तो मैंने ना छोटे बच्चों को जो मैंने आपको कपड़े बनाने सिखाए थे सॉक्स के साथ, वो मैंने पहनाए हुए हैं क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे कपड़े पहनाते हैं तो आपने हर वक्त नहीं पहना के रखने। जब इनको जैसे रात का टाइम होता है कि मदर साथ ही सोती है बच्चों के, तो तब आप उतार दें, क्योंकि अगर हर वक्त पहनाएंगे तो बच्चों की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। अभी तो बच्चे थोड़ा लाउंज में आए हुए हैं, कारपेट पे बैठे थे तो मैंने पहना दिया ताकि इनकी चेस्ट पे इनको हवा ना लगे। वैसे तो घर पूरा कवर है, बंद रखती हूँ, तो बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों की। जब भी किटन्स पैदा होते हैं ना, उनकी जो फर्स्ट सर्दियाँ होती हैं ना, वो बहुत डेंजरस होती हैं। अगर बच्चे पहली सर्दियों में सही से पल जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनकी फिर आगे इंशाल्लाह उम्र जो है वो काफ़ी लंबी होती है। तो जी अभी बस मैं दोपहर को का टाइम है, तो लंच का टाइम है, तो मैं यहाँ पे अब बना के दे रही हूँ फ़ुज़ैल को पराठे, क्योंकि फ़ुज़ैल ने काले चनों के साथ पराठे खाने हैं। तो बस मैं बना रही हूँ और उनको खाना दे देती हूँ। और आज का व्लॉग बस छोटा सा था, ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है मेरे काम बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और फिर फ़ुज़ैल की तबीयत ठीक ना होना तो फिर अकेले हर चीज़ मैनेज करना भी ज़रा थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फ़ुज़ैल बहुत कोऑपरेटिव हैं। और इतनी कैट्स मैंने इसीलिए ही रखी हुई हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेरे साथ बहुत काम करवाते रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, वो बहुत ज़्यादा संभालते हैं बच्चों को। तो ये हमारी प्यारी सी ब्राउनी, बेबी ब्राउनी फ़ुज़ैल की गोद में बैठी हुई है। और बस जी अब मैं यहीं पर आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।